प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कोरोना काल के दौरान से लेकर आज तक लाखों लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली के झिलमिल इलाके के एक समाज सेवी जिनका नाम योगेश कुमार भाटी, जो योगेश भाटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निस्वार्थ लोगों के बीच मुफ्त राशन वितरण के साथ साथ बुजुर्गों को पेंशन देने का कार्य भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगेश भाटी ने सैकड़ों लोगों में मुफ्त राशन जैसे आटा, दाल, चीनी, चावल और नमक का वितरण किया। राशन वितरण के दौरान वहां राशन लेने आई महिला और पुरुष समाज सेवी भाटी द्वारा लगातार जनमानस की सेवा के लिए धन्यवाद देते नहीं थक रहे थे। सभी लोग ने कहा कि जहां सरकार हम जैसों की कोई सुध नहीं लेती, वहीं निस्वार्थ समाज सेवी योगेश भाटी उन सब की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दिन हो या रात, हर वक्त सबकी परेशानियों को दूर करने में लगे रहते हैं। योगेश भाटी जी लगभग 10 सालों से गरीबों की सेवा कर रहे हैं, और जैसे राशन देना, बुजुर्ग जो सरकार की राशन व्यवस्था से बाहर हैं उनको हर महीने राशन देना, पेंशन देना, और कोरोना के समय में जैसे लोगों के पास बहुत सारी दवाइयों की, तो किसी को इलाज की, तो किसी को एम्बुलेंस की, बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ी, तो भाटी जी की टीम ने जा कर के लोगों की मदद की। जहाँ जहाँ जिसकी जैसे कॉल मिली, जिसने जिस आवश्यकता के लिए पुकारा, हम वहाँ पर भाटी जी की टीम वहाँ पहुँची और जो सहायता कर सकते थे या जो जैसी उनकी आवश्यकता थी, हमने उसको आर्थिक सहायता हुई, चाहे वो घर में राशन से लेकर के सहायता हुई, कोई बीमार है, देख रेख करने वाला कोई नहीं है तो उसकी हमने समय समय पर देख रेख भी की, किसी को दवाइयाँ पहुँचानी हुई, वो सब चीज़ें भाटी जी की टीम ने की। जी, राशन वितरण तो कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी हमने फरवरी से 3100 परिवारों को प्रति व्यक्ति 3 महीने, मतलब एक परिवार को लगातार 3 महीने राशन वितरण की योजना हमने शुरू करी है फरवरी से, जो ये अभी हमने जुलाई तक के लिए सभी के, जैसे ये राशन कार्ड है आपने देखा है, इस तरीके का हमने राशन कार्ड बना दिया है सबको, ये कार्ड बना दिए और 3 महीने की डेट लिख के दे दी है, तो सब डेट वाइज आ रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। मतलब जैसे सरकार का राशन कार्ड होता है उसी तरीके से आपने अपना एक राशन कार्ड है जी, सरकार की आपके पास डाटा रहे किसको क्या कितना, बात डाटा की नहीं है, एक सिस्टम से काम है ताकि हमें भागदड़ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, सबको पहले से ही हमने कार्ड बना के दे दिए हैं। और सबसे बड़ी, जैसे आपको मालूम है कि दिल्ली सरकार ने नए राशन कार्ड जो है कई वर्षों से नहीं बनाए हैं, तो जब जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, उनको जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनको ज़रूरत होती है तो उनको सहयोग हो सके, उसके लिए हमने ये योजना शुरू करी। स्थानीय लोगों का कहना है कि योगेश कुमार भाटी कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद अब भी लोगों की पूरी तरह निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अनाज से लेकर पेंशन तक हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं। सरकार की तरह आम लोगों को राशन कार्ड और बुजुर्गों को पेंशन कार्ड बनाकर पैसे मुहैया कराते हैं।